हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर थर्ड की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें केवल हमें ग्राफिकल मेथड समझना है, यानी हमें इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी अलजेब्रिक मेथड्स बनानी है और उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जो है ग्राफिकल मेथड है, थर्ड से हमें अलजेब्रिक मेथड सॉल्व करना है, जो यानी मेथड्स हमने पढ़ी थी एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट होगी। तो एक्सरसाइज 3.1 पहले हम ग्राफ समझते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा लीनियर इक्वेशन पर। सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन बनता है, तो उसमें हमें ग्राफ देखना है कि इंटरसेक्टिंग होगी कि नहीं, पैरेलल होगी क्या या कोइंसिडेंट होगी। हमने सभी कंडीशंस देखी थी, मैंने चार्ट में समझाया था आपको, तो उसी के बिहाफ पे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू यू विल बी, इजंट दिस इंटरसेक्ट isn't this intersecting represent the situation algebraically and graphically। तो इसे समझते हैं, पहले मैं इसे सॉल्व करता हूं और समझाते भी जाऊंगा आपको। सॉल्यूशन, आफ्ताब की एज तो सपोज कर लेते हैं, लेट दी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू एक्स ईयर मान लेते हैं, एक्स ईयर दी प्रेजेंट एज एज ऑफ हिज डॉटर वाई ईयर, एज है तो ईयर में सपोज करना होगा, एक्स ईयर एंड वाई ईयर। अब हमने एज को सपोज कर लिया, अब क्या हो रहा है, आफ्ताब बोल रहा है कि 7 ईयर एगो यानी 7 साल पहले मेरी जो एज है उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स है। तो पहली कंडीशन हम लिखते हैं 7 ईयर एगो वाली, तो 7 ईयर एगो 7 साल पहले की जो एज की कंडीशन दी है 7 ईयर एगो वाली, वो हम समझ रहे हैं। तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, हो जाएगा x माइनस 7 ईयर और डॉटर एज हो जाएगा y माइनस 7 ईयर। हमने आफ्ताब को x सपोज कर लिया, डॉटर को y, अब 7 साल पहले 7 ईयर एगो, तो 7 ईयर एगो आफ्ताब की एज x माइनस 7 और डॉटर की एज y माइनस 7। अब यहां पे फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन पहली कंडीशन क्या है, 7 ईयर होगा आफ्ताब इज यानी x माइनस 7 किसके इक्वल है, 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर y माइनस 7, ये पहली कंडीशन है। 7 ईयर एगो आफ्ताब इज 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, तो उसकी डॉटर की एज में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो आफ्ताब की एज के इक्वल हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 7 वाई माइनस 49। तो इसे और अरेंज करो तो x माइनस 7 वाई कॉन्स्टेंट टर्म को राइट में शिफ्ट कर देता हूं तो कितना हो जाएगा माइनस 42 इक्वेशन 1, या माइनस 49 ये प्लस का हो जाएगा तो जगह 7 प्लस का हो जाएगा तो कितना होगा माइनस 42 इक्वेशन फर्स्ट। अब 7 ईयर एगो वाली तो कंडीशन खत्म हो गई, अब सेकेंड कंडीशन 3 इयर्स लेटर वाली, इसमें आल्सो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ यानी आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 ईयर लेटर वाली कंडीशन देख लेते हैं, आफ्टर 3 ईयर After 3 year, तो 3 year later या after 3 year age क्या होगी, आफ्ताब की age क्या हो जाएगी, अभी present age अगर x है, present age x है और इसकी y है, तो after 3 years क्या होगा, 3 years add हो जाएगा, आफ्ताब age हो जाएगा x plus 3
और डॉटर की इज, डॉटर इज वाई प्लस थ्री है। अब कंडीशन आई सैम बी थ्री टाइम्स ओल्ड एज हर डॉटर, उसने बोला क्या कि थ्री इयर्स है वो, आई सैम बी थ्री टाइम्स ओल्ड एज यू, मतलब उसकी डॉटर के थ्री टाइम्स है वो, यानी तीन गुना है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हो गई थी ये हुई, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगा, x प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ y प्लस थ्री। सॉल्व करें इसे, x प्लस थ्री इक्वल टू थ्री वाई प्लस नाइन, वाई को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, कॉन्स्टेंट टर्म को राइट में, ये सिक्स, ये इक्वेशन सेकेंड। तो इसमें दो क्वेश्चन दिया होता है कि पहले आप क्या करो कि सिचुएशन को आप क्या करें कि कंस्ट्रक्ट करें एलजेब्रिकली। तो एलजेब्रिकली हमने सॉल्व कर दिया, पहली इक्वेशन हमारी ये रही x माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी टू, और दूसरी कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, पहली इक्वेशन मेरी x माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी टू एंड दूसरी x माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। अब हमने ये एलजेब्रिकली सॉल्व कर लिया, अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए हम एक एक लाइन को सॉल्व करते हैं, फिर इसको कार्टेशियन क्वाड्रेंट पे हम शो करेंगे कि स्टेट लाइन कैसे बनती है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहला तो हो गया एलजेब्रिक, ये फॉर्म है, अब ये ग्राफिकल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, फर्स्ट लाइन x माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी टू, x माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी टू। हम क्या करते हैं, यहां से इक्वेशन को एक वेरिएबल के फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल को दूसरी तरह शिफ्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां से, x x प्लस फोर्टी टू इक्वल टू सेवन वाई, y के फॉर्म में चेंज कर दिया। फिर y की वैल्यू अगर यहां से निकाले हम, तो y इज इक्वल टू x प्लस फोर्टी टू अपॉन सेवन। अब ये थर्ड क्वेश्चन, अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहां से हम टेबल पहले क्रिएट करते हैं। तो टेबल कैसे बनेगा, अब ये जो है y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, तो x की जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो y की वो वैल्यू मिलेगी। तो यहीं पे मैं टेबल क्रिएट कर देता हूं, इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है तो हमें कम से कम दो या तीन पॉइंट की एक टेबल बनानी पड़ेगी x y में। तो टेबल कैसे बनाएंगे, x y, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं। तो x की वैल्यू पहले मामले मैंने जीरो पुट कर दी, x जीरो, तो कितना हो जाएगा, ये जीरो हो गया, तो 42 अपॉन 6, तो 42 को 6 से डिवाइड करो तो 6 आ जाएगा, ठीक। अब हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 7, x 7, x की वैल्यू 7 पुट कर दी, तो y कितना आ जाएगा, 7, 42 तो कितना हो जाएगा 49, 49 अपॉन 7, तो कितना हो जाएगा, यहां पे भी 7, 49 अपॉन 7, 7 आ जाएगा। अब x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 14 पुट कर दें यहां पे, ऐसी वैल्यू ले रहे हैं कि इजीली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक। तो x की वैल्यू मैंने मान ली है यहां पे क्या ले ली, 14, हम माइनस सेवन भी ले सकते हैं, माइनस सेवन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी वैल्यू, तो हम 40 ले लेते हैं, इजी है, पॉजिटिव में वैल्यू लेते हैं, तो कितना 40 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 प्लस 14 ये 6, 56, तो 56 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा, 8। तो ये पहली टेबल हमारी क्रिएट हो गई, तो हम इससे पहली डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे इसकी हेल्प से। अब हम दूसरी टेबल ही बना लेते हैं, दूसरी टेबल दूसरी इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन ये रही हमारी x माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, इक्वेशन सेकेंड। अब यहां से भी हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो y को इधर शिफ्ट कर दिया, तो x माइनस सिक्स इक्वल टू थ्री वाई, तो y इज इक्वल टू x माइनस सिक्स अपॉन थ्री, ये फोर एक इक्वेशन बना ली, फोर बी फोर, और इस पे हम यहाँ पे भी अब ये क्या हो गया, y x पे डिपेंड हो गया, तो फिर यहाँ पे भी हम टेबल क्रिएट करेंगे ऐसा ही, थ्री पॉइंट का एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें केवल टेबल का ही यूज करना है सॉल्व करने के लिए। ये x y,
अब x की वैल्यू यहाँ पे अगर मान लो 0 पुट करते हो, 0 पुट किया तो -6/3 यानी -2। फिर हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 3 के मल्टीपल में पुट कर देते हैं, 3 पुट कर देते हैं, ठीक है, या 6 पुट कर दिया। तो x की वैल्यू अगर 6 पुट करेंगे तो 6-6 क्या हो जाएगा, 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, ठीक। x की वैल्यू अगर मैं 12 पुट कर दूं, 12, तो x is equal to 12 पे क्या होगा, 12-6, 6/3 यानी कितना, 2। तो ये दूसरी टेबल भी क्रिएट कर ली हमने, ये पहले टेबल हो गई और ये दूसरी टेबल। अब इन टेबल की हेल्प से हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, जब तक ग्राफ के लिए मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तैयार। हम लोगों ने इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लिया था, ठीक। अब ग्राफिकल के लिए हमने टेबल भी बना लिए थे। फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी x-7y = -42, इसकी टेबल ये रही, और सेकंड की टेबल ये रही। ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए यहां पे, x एक्सिस, y एक्सिस, ये 0, और जो डिफरेंस है 2 यूनिट का डिफरेंस दिया है, 2, 4, 6, 8, up to 12, up to 14, क्योंकि 14 मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है। इधर माइनस में 2 up to -10 तक, इधर भी क्या -14, और ये भी 12 तक ऊपर, यानी 14 तक कर दीजिए आप इसको भी। इधर माइनस में आवश्यकता से नहीं, -2 तक ही है, तो ज्यादा लिखा नहीं मैंने, फिर यहाँ पे 14 और स्पेस भी कम था। अब यहाँ पे जो पहली लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, पहली लाइन x0 पे y6, तो x0 y एक्सिस 6, ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, तो 0.6 लिखा है। दूसरा 7 7, x7, तो 7 क्या होगा यहाँ पे, 6 और 8 के बीच में होगा, 6 और 8 के बीच में पॉइंट जो होगा 7 होगा, बाय 6 और 8 के बीच में 7, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का ये रहा, तो यहाँ पे ये 7.7। तीसरा 14 8, x14 पे y की वैल्यू 8, तो x लिया 14 और y ये 8, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, ठीक। तो ये पहली लाइन हमारी ड्रॉ हो गई, x-7y-14, ये एंडलेस है, ये लाइन आगे जाएगी, ऐसी बढ़ती जाएगी, ठीक। अब आगे x-3y = 6, उसके लिए ग्राफ ये, सेकंड लाइन के लिए ग्राफ टेबल बना लिया था, 0 पे -2, तो x0 पे y की वैल्यू, ये -1 है, ये y पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो x-2 ये रहा पहला, -2 है, x0 पे y-2, ये पॉइंट 0, -2। दूसरा 6 पे 0, x6 y0, तो 0 तो ये होता है दोनों, x0 y0, तो x6 पे, तो x6 y0, तो ये रहेगा x एक्सिस पे होगा, ठीक, तो 6, 0। और 12, 2, तो x12 पे y की वैल्यू क्या, 2, तो ये रहा, तो 12, 2, इससे हमने ये लाइन ड्रॉ करी, ठीक। ये दोनों लाइन जाके कहीं ना कहीं आगे इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रांसवर्सल है, तिरछी है, तो कहीं ना कहीं ये जाके इंटरसेक्ट करनी है, पैरेलल नहीं है, ट्रांसवर्सल है, ये तिरछी जा रही है, ये भी लाइन ऐसी आ रही, तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके इसको इंटरसेक्ट करने है। अगर हमें ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम उसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं, इंटरसेक्शन वाली कंडीशन क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन वाली, a1 upon a2 not equal b1 upon b2, ये यूनिक सॉल्यूशन जो मैंने लिखवाया था आपको, इसमें लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो चेक कर लेते हैं यहां से, x का कोफिशिएंट 1 जो है कोफिशिएंट b1, तो 1, 1, यहां पे x y का ये क्या होगा a1 a2, तो ये a1 ये a2 दोनों 1/1 हो गया। अब इज नॉट इक्वल b1/b2, तो b1 कितना है -7 और b2 कितना है -3, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/1 डेफिनेटली इक्वल नहीं होगा 7/3 के, इक्वल नहीं, ठीक। तो कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक यानी कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये लाइन कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट होंगी, तो आपको टेबल बनाना है, ग्राफ बनाना है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यस इट इज इंटरसेक्टिंग, यस इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो ये आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का, इसे नोट डाउन कर ले, समझ ले। ये ग्राफ थोड़ा सा पेज बड़े पेज से बनाएंगे, क्योंकि आगे स्पेस नहीं थी इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर पाए, और इसको आगे करेंगे हम तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन कंडीशन मैंने बता दी, कंडीशन से भी आप चेक कर सकते हो, इसे नोट डाउन करिए आप। समझते हैं सेकंड क्वेश्चन, 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। The coach of cricket team buys 3 bats and 6 balls for ₹3900. She buys another bats and 3 more balls of same kind of ₹1300, yani 1300 ka. Represent situation algebraically and graphically. Same question hai,
सेम टाइप से करना है, पहले आपको इक्वेशन बनानी है, फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है कि कैसा ग्राफ बन रहा है। तो सॉल्यूशन समझते हैं इसका। सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू रुपीज x सपोज कर लिया, द कॉस्ट ऑफ वन बॉल रुपीज y, कॉस्ट ऑफ वन बैट x सपोज कर लिया, कॉस्ट ऑफ वन बॉल y, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन, दी क्रिकेट कोच, दी कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय थ्री बैट्स, तो थ्री बैट यानी थ्री एक्स, सिक्स बॉल सिक्स वाई, कितने में खरीदा, थ्री नाइन डबल जीरो। ये सिचुएशन है, एक बैट की कॉस्ट एक्स है, कि थ्री बैट का कितना हो जाएगा थ्री एक्स, एक बॉल वाई है तो बॉल में कितना हो जाएगा सिक्स वाई, दोनों का टोटल कितना 3900। अगर चाहो तो आप 3 से डिवाइड कर दे इसको, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3 1 3 3 3 9, ये 1300 इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय 3। थ्री से डिवाइड के डिवाइड बाय 3, तो पहली इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन देखते हैं, पहली कंडीशन तो हमारी हो गई, ये सेकेंड कंडीशन। अब आगे कंडीशन, सी बाय अनदर बैट, सी बाय अनदर बैट एंड थ्री मोर बॉल्स, उसने फिर से एक और बैट लिया, यानी वन बैट की कॉस्ट एक्स और कितने बॉल थ्री मोर बॉल्स, तो थ्री बाय कितना कॉस्ट 1300। ये सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन फिर से समझ लो, सी बाय अनदर बैट, अनदर बैट यानी एक और बैट उसने लिया एंड थ्री मोर बॉल्स, थ्री मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ रुपीज 1300, रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन, ठीक। तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन आप देखिए, फिर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए पहली इक्वेशन, x plus 2y equal to 1300, यहां से y की वैल्यू निकाली, 2y is equal to 1300 minus x, तो y is equal to 1300 minus x upon 2। अब यहां पे हमने कुछ इंटीग्रल ऐसी वैल्यू पुट करी है जिससे हमें आंसर फ्रैक्शन में ना आए, यानी x की वैल्यू मैंने 100 पुट किया, तो 100 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं सॉल्व कर देता हूं आपको, 1300 minus 100 upon 2, तो कितना 30 minus 100 कितना हो जाएगा, ये 1200 upon 2 यानी कितना 600, तो यहां पे 600 पहली वैल्यू, दूसरी मैंने 300 पुट किया, तो ये 300 पुट किया तो कितना हो जाएगा, 300 पुट कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, ये 1000 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 500। और तीसरी वैल्यू जो हमने 0 पुट करी, तो x 0 पुट करेंगे तो 1300 अपॉन 2 यानी कितना 650, तो k 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 650। तो ये तो हमारी पहली टेबल हमने डिजाइन कर ली। दूसरी टेबल भी समझ लो आप, x plus 3y is equal to 13, तो 3y is equal to 13 minus x, अब 1300 minus x, तो y is equal to 1300 minus x upon 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू फिर हम पुट कर रहे हैं, x मैंने 100 पुट किया, तो 100 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, x की प्लेस पे 1300 minus 100 upon 3 यानी कितना 1200 upon 3 कितना 400, ये 400। अब दूसरी वैल्यू मैंने 400 पुट करी, यहाँ पे 400 पुट किया तो कितना हो जाएगा, 900 upon 3 कितना आएगा 300। थर्ड वैल्यू से मैंने 1000 पुट कर दिया यहाँ पे 1000, तो 1300 माइनस 1000 तो ये हो जाएगा 300 upon 3 दैट इज 100। तो दोनों टेबल हमने क्रिएट कर ली है, तो दोनों टेबल की हेल्प से हम अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये टेबल डिजाइन कर लो, ये पहली टेबल है, ये दूसरी टेबल, आप वैल्यू अपनी इच्छा से कुछ भी पुट कर सकते हो, बस ये ध्यान रहे कि फ्रैक्शन में ना आए, इंटीजर में वैल्यू आए, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करोगे तो इजी रहेगा। तो हमने ऐसी वैल्यू ली जिससे इंटीग्रल इंटीजर में वैल्यू आई है, एक्स और वाई दोनों इंटीजर में लिख रही है, फ्रैक्शन में ये नहीं है। तो दोनों टेबल के बिहाफ पे हमें ग्राफ प्लॉट करना है,
तो ये डिजाइन कर लो टेबल, आप ग्राफ बनाते हैं। इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहली टेबल, पहली इक्वेशन की टेबल ये थी और दूसरी इक्वेशन की टेबल ये थी, एक एक करके टेबल समझ लेते हैं। x 100 पे y 6, 300 पे 500, 0 पे 650। तो पहली लाइन के लिए समझते हैं, x 100 पे जो था ये 100 है, 0 और 200 के बीच वाली वैल्यू 100, तो x 100 पे y 600 था, तो x 100 पे y 600 तो ये वैल्यू थी, तो 100 600 मैंने यहां पे कॉमा करके लिखा, ब्रैकेट में लिखा, ठीक। दूसरी वैल्यू कितनी, 300 पे 500, तो x 300, 200 और 400 के बीच में कितना हो जाएगा 300, तो 3, क्योंकि यहां पे इंटरवल जो हमने लिया 200 का इंटरवल लिया है, क्योंकि हमें 1400 तक जाना था, तो 200 का हमने इंटरवल लिया है यहां पे। अब x की वैल्यू 300, 500, तो x 300 तो 500, y की वैल्यू 400 और 500, 400 600 के बीच में वैल्यू क्या है 500, ये 300 500, और लास्ट x 0 पे y 650, x 0 पे y 650, ये 650, तो ये 3.123 तीनों पॉइंट से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये ब्लैक लाइन से मैंने ड्रॉ करी है, तो ये लाइन हमारी L1 इसके लिए है, ये जो इक्वेशन हमारी थी इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया स्ट्रेट लाइन। अब दूसरी x + 3y = 30, तो ये था इसका टेबल, 100 पे 400, 400 पे 300 और 1000 पे 100 हमने लिया, तो 100 पे 400, तो पहली सेकंड लाइन 100, ये रहा 100, 100 पे y की वैल्यू 400, तो यहां पे एक पॉइंट प्लॉट किया, तो 100 पे 400 ये पहला, ये ब्लू कलर वाली लाइन सेकंड वाली है, 400 पे 300, तो 4 पे 3, तो x 4 पे y कितना 200, 400 की वैल्यू बीच की वैल्यू है 300, तो 400 पे 300 यहां पे लिखा हुआ, ये सेकंड पॉइंट। और तीसरा 1000 पे 100, तो x 1000 लिया यहां पे, तो y की वैल्यू 200 और 0 के बीच की वैल्यू 100 दी है, तो 1000 पे 100 ये सेकंड लाइन हमने ड्रॉ किया, ठीक। तो ये पहली लाइन की इक्वेशन ये रही L1 और ये सेकंड लाइन L2, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से है। इसे बढ़िया से समझ लीजिएगा, क्योंकि आ सकते एग्जाम में पूछे जा सकते क्वेश्चन, है ना, कभी कभार ग्राफिकल मेथड आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, तो इसे भी आपको समझना है, ठीक, नोट डाउन करें आप इसे, समझते हैं। इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा आखिरी क्वेश्चन है। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160. 2 kg apple और 1 kg grapes का 160. Again, after a month, the cost of 4 kg apple and 2 kg of grapes is to be found 300. Represent the situation algebraically and graphically. सॉल्यूशन समझ लो इसका, सॉल्यूशन इजी है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी रुपीज एक्स, सपोज कर लिया, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी रुपीज वाई, ठीक है। 1 kg एप्पल x रुपीज था और 1 kg ग्रेप्स कितना हो गया y रुपीज था। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या, पहली कंडीशन द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल, तो 1 kg का x रुपीज और ये 1 kg का y रुपीज, तो 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स y कितना 160, ये फर्स्ट कंडीशन आपकी। सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है, आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स 2y = 300, यहां पे कॉस्ट दिया 300, अगर आप उसे इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 150, ये सेकंड इक्वेशन, यहां पे डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक। अब ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, अब ये हो गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया।
अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए टेबल क्रिएट करते हैं और ग्राफ बनाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। समझते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये पहली इक्वेशन थी, तो पहली इक्वेशन को हमने सॉल्व किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले y की वैल्यू 160 माइनस 2x, ठीक। अब ये x y डिपेंड है x पे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। तो x की ऐसी वैल्यू मैंने पुट करी जिसे कोई इंटीग्रल वैल्यू मिले। x = 50, तो 50 क्या हो जाएगा, 100, 100 160 माइनस 100 60 होगा। 40 तो 40 पुट करोगे तो 80 हो जाएगा, तो 80 160 80 होगा। यहाँ पे अगर मान लो 30 हम पुट करते हैं तो 30 60 हो जाएगा, तो ये 100। तो ये पहली टेबल, तो पहले टेबल के लिए पहली ग्राफ देख लेते हैं हम। पहला 50 पे क्या है 60, 50 पे 60, 40 पे 80, 40 पे 80 है पॉइंट, और तीसरा 30 पे 100। तो ये 30 पे 100, तो ये लाइन हमारी L1 बन गई, ये L1 वाली लाइन हो गई हमारी, ठीक। अब दूसरी देख लेते हैं, 2x + y = 100। तो y इक्वल टू सॉरी 150 है, 150, तो y इक्वल टू 150 माइनस 2x, 2x प्लस y इक्वल टू 150, तो y इक्वल टू 150 माइनस 2x, 150 है, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू देख लो, अगर x की वैल्यू 50 तो y कितना हो जाएगा 50, x 30 तो y कितना 90, और 25 पे 100। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 50 पे y 50, 30 पे ये 90 और 25 पे 100। तो पहला पॉइंट ऊपर से देखिए, 25 पे 100, ये पॉइंट ऊपर है 100 के पास की, और इधर ये 20 से 25, ठीक है। दूसरा 30 90, ये 30 और ये 90, और तीसरा 50 50, तो ये लाइन, तो ये दोनों लाइनें आपस में यहाँ पे जो है इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है, ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस। स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन में इंटरसेक्टिंग हुई थी, लेकिन यहाँ पे पैरेलल लाइन, ठीक, दोनों एक दूसरे की पैरेलल। अगर कंडीशन इनकी चेक करो आप, तो देखो कंडीशन दोनों की सेम है यहाँ पे, यानी कौन सी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन है। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal c1 upon c2, तो यहाँ पे चेक करो, 2 upon 2 ये 1, और इसका भी कोफिशिएंट 1, 1 अपॉन 1, और ये कितना है 160 150, इज नॉट इक्वल 160 अपॉन 150, क्योंकि ये तो कैंसिल होकर 1 1 हो जाएगा, तो 1 1, तो 1 अपॉन 1, ये भी 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, बट नॉट इक्वल कितना 160 अपॉन 150, ठीक है। तो ये कौन सा कंडीशन है आपका, नो सॉल्यूशन वाला। तो नो सॉल्यूशन एक ऐसी लाइन बनती है हमारी, पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है। फर्स्ट एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन हो गए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी सेकेंड एक्सरसाइज 3.2 का, उसमें भी हमें ग्राफिकल ही है, तो हम उसे पूरी कंडीशन समझाएंगे, ग्राफ आपको यहाँ पे बनाने आ जाएगा, आपको डिजाइन करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक। तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लो, सेकेंड एक्सरसाइज में भी हमें ग्राफ ही बनाना है, तो इसे आप समझ लेंगे तो आ जाएगा वो और ईजी।